हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से एक बार। तो आप देख सकते हैं सामने लिखा ब्रैंड, तो ब्रैंड में है बन रहा बिजली महादेव जी का मंदिर। तो आप देख सकते हैं अभी तैयारी शुरू हो चुकी है और ये है ब्रैंड गांव जो कि पार्वती घाटी पड़ता है। पार्वती घाटी में जो एक छोड़ नाला जगह है वहाँ से आप पुल पार करके इस जगह को आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सामने चौक भी है, ये जो गांव है यहाँ पर पार्वती माता जी का मंदिर भी है जो कि बिल्कुल सामने है बिजली महादेव जी के। तो ये है जो दूसरा मंदिर है, जब ब्रैंड में देता आते सावन महीने में, तो यहाँ पर पहले पुराना मंदिर था, अब नया बन रहा है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मनाया जा रहा है एज यूजुअल, जैसा बनता है बिजली महादेव जी का मंदिर जब भी बनता है खूबसूरत ही बनेगा। तो आप देख सकते हैं नक्काशी बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सुंदर की गई है। तो यहाँ पर बिजली महादेव जी का रथ सावन के महीने में रहता है, जो रथ होता है वो यहाँ पर पूरे महीने सावन के महीने में रहता है। कुछ देर बाद आपको दर्शन भी करवाएंगे और उसके बाद मैं जाऊँगा बिजली महादेव और शिवलिंग रूप में बिजली महादेव जी के भी दर्शन भी आपको करवाएंगे। तो सामने आप देख सकते हैं श्री राम जी के नक्काशी की गई है, बिजली महादेव जी की और माताओं की, लक्ष्मी माता जी की और सरस्वती माता जी की और गणेश भगवान जी की। तो ये है मंदिर, आप देख सकते हैं। तो ये देखा आपने मंदिर और अब चलते हैं जहाँ पर महादेव जी विराजमान हैं, जो जो आप नीचे आप लैंटर देख रहे हैं। तो यहाँ पर बिजली महादेव जी विराजमान हैं, एक महीने तक यहाँ रहेंगे और अगले साल जब यहाँ पर इस साल या अगले साल यहाँ पर जब प्रतिष्ठा होगी तो यहाँ पर विराजमान होंगे अगले सावन में। तो ये देख सकते हैं आप बारीकी में, बहुत बारीकी से की गई है नक्काशियाँ। तो अंदर से तो अभी तैयार नहीं हुआ है पर लगता है कि इस साल कंप्लीट हो जाएगा, तो प्रतिष्ठा भी हो जाएगी इस साल ऐसा लगता है, बाकी भोले बाबा जाने। तो अब ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करवाएंगे, तो चलिए करते हैं अब बिजली महादेव जी के दर्शन जो कि रथ में सवार है। तो ये रहे बिजली महादेव जी, अब आप देखिए बिजली महादेव जी के रथ को। तो थोड़ी देर में यहाँ पर बैठता हूँ और बिजली महादेव जी के दर्शन करता हूँ खुद भी, और उसके बाद तुरंत बाद निकलेंगे यहाँ से बिजली महादेव की ओर, जो कि लगभग यहाँ पर एक डेढ़ घंटे की चढ़ाई है। तो बिजली महादेव जी के दर्शन भी आपको कराएंगे जो शिवलिंग रूप में बिजली महादेव मथान में विराजमान है। जैसा कि मैंने कहा था, मैंने चढ़ाई शुरू कर दी है और कुछ ही देर में बिजली महादेव पहुंचेगा। तो फिलहाल आप मुझे जो गांव देख रहे हैं जहां पर मैं गया था मंदिर, वो नीचे ये वाला गांव है ब्रैंड गांव। तो यहां देख सकते हैं यहां से मैं चढ़ाई करके आया और नीचे जहां पर आपको दर्शन करवाए ये वो ब्रैंड गांव। अब इस चढ़ाई को चढ़ते हैं और पहुँचते हैं महादेव जी के मंदिर में। वैसे तो आपने रथ को देख लिया, बिजली महादेव जी के रूप को देख लिया, पर है तो एक ही बात, पर क्या करें, खाली टाइम बैठा हुआ था, सोचा चलो बिजली महादेव मंदिर होके आता हूँ। तो
तो ये जो आप टावर देख रहे हैं, शायद आपको याद होगा कि जो आए हैं बिजली महादेव जी में एक टावर है रहा है। तो पहले तो यहाँ पर दो तीन टावर थे, पर एक टावर रहा है। तो यहीं पर मंदिर है, उसकी पिछली साइड ही मंदिर है बिजली महादेव जी का। पहुँच चुका हूँ मैं अब मथान गांव, मथान जगह, यहाँ पर मथान बोलते हैं। तो देख सकते हैं बिजली महादेव जी का मंदिर और उनकी ध्वजा। तो चलिए दर्शन भी करें कुछ देर बाद, फिलहाल तो आपको मंदिर दिखाते हैं चारों ओर से। तो आपने बाहर से दर्शन कर लिए मंदिर के, तो चलते हैं अब अंदर की ओर। तो दर्शन वगैरह करके हम बाहर आ चुके हैं, और बाहर से मंदिर बहुत ही सजाया हुआ है क्योंकि सावन महीने में तो लोगों का तांता, ऐसे भी यहाँ पर लोग आते रहते हैं पर सावन महीने में बहुत ज़्यादा भक्त यहाँ पर आते हैं। तो सामने जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर है कबीर भगवान जी का। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं स्तंभ बनाए गए हैं, नंदी भगवान बनाया गया है, शिवलिंग है एक दो यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो स्तंभ है ये खुदाई में निकले हुए बहुत वर्षों पहले। तो यहाँ पर भी ये भी देवी देवता ही है, और यहाँ पर भी आप आशीर्वाद ले सकते हैं। तो सामने जो आप वृक्ष देख रहे हैं, बहुत बार आप आए होंगे, जो आया होगा यहाँ पर तो आपने देखा होगा कि कौन सा मंदिर है। तो यहाँ पर है जोगनी माता जी, इनको शायद जब यहाँ से बाहर जाते हैं, कुल्लू हिमाचल से बाहर जाते हैं, बाबा योगिनी बोलते हैं लोग। तो ये हमारे यहाँ पर जोगनी माता बोलते हैं, ये जोगनी माता जी का वृक्ष है। तो जब भी यहाँ पर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ दर्शन ज़रूर करें, तभी दर्शन सफल होंगे। तो साथ में जो आप मंदिर देख रहे हैं ये कबीर भगवान जी का, तो आप देख सकते हैं ये भी यहाँ पर भी शिवलिंग है। तो जब भी यहाँ पर आते हैं आप बिजली महादेव, तो यहाँ पर जितने भी देव देवता हैं उनके दर्शन ज़रूर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया है ये भी। तो अब यहाँ पर भंडारा का आयोजन भी किया जाता है पूरे सावन माह में। तो चलिए पहले भंडारा का भी टेस्ट लेते हैं, खीर बनी है और साथ में पूरी बनी है, तो चलिए खाते हैं ज़रा। तो प्रसाद खा के अब चलते हैं, ज़रा आपको यहाँ की जो सुंदरता है वो दिखाते हैं। तो आज मौसम पूरा धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, पर यहाँ पर थोड़ी ऊंचाई है, थोड़ी नहीं बहुत ऊंचाई है, तो यहाँ पर ठंडक भी है, हवा भी है, बहुत मस्त हवा है और तेज़ हवा थोड़ी। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर भुंतर एयरपोर्ट और ब्यास नदी। तो ये नीचे आप देखते हैं ब्यास नदी और यहाँ पर भुंतर एयरपोर्ट भी है। तो ये नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर संगम है पार्वती नदी जी का और ब्यास नदी जी का। तो ये है नरोगी गांव, जो यहाँ पर भागा सिद्ध माता जी है, शिव भगवान जी की, हमारे बिजली महादेव जी की बहन।
तो दोस्तों आपने देखी वीडियो, बिजली महादेव जी के दर्शन किए, रथ में सवार थे तो वो भी दर्शन किए, शिवलिंग में सवार हैं, शिवलिंग में विराजमान हैं वो भी आपने दर्शन किए। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और सावन माह में बिजली महादेव ज़रूर आएँ। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में देवताओं की। जय बिजली महादेव।